दोस्तों स्वागत है आपका पिनाकल यूट्यूब चैनल में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर टारगेटेड होता है और स्पेशली ये MPPSC से रिलेटेड कई सारे पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। यहाँ दोस्तों इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 30 जनवरी, 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1991, 30 जनवरी 1992 या 30 जनवरी 1993। इसका सही आंसर है दोस्तों 30 जनवरी 1990, दैट इज आंसर नंबर ए। आगे देखेंगे दोस्तों अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? जी हाँ दोस्तों, ये पारित तो हो गया था पर इसके बाद में इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के लिए एक अलग डेट है। इस डेट को हम देखेंगे ऑप्शन ए 9 सितंबर 1989, ऑप्शन बी 10 सितंबर 1989, सी 11 सितंबर 1989 या डी 15 सितंबर 1989। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी 11 सितंबर 1989। अगला क्वेश्चन देखेंगे अत्याचार से अभिप्रेत है, मतलब अत्याचार से क्या, कौन सी धारा इसमें से कनेक्टेड है? ठीक, ऑप्शन ए है धारा 2 के तहत दंडनीय अपराध, बी धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध, सी धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध या डी धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, दैट इज धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध। आगे देखेंगे दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1990 जिसको 90 में पारित किया गया था, में नवीन संशोधन 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से किस दिनांक को हुआ था? 2015 में एक संशोधन हुआ था इसमें दोस्तों, ये किस दिनांक में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 4 अगस्त 2015, 4 मार्च 2013, 1 जनवरी 2016 या 31 दिसंबर 2015। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, 31 दिसंबर 2015। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस अधिनियम में संहिता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसके अंदर ये जो संहिता वर्ड है इससे हम कौन सी संहिता को, जहां जहां पर भी ये संहिता वर्ड लिखा हुआ है इस प्रक्रिया के अंदर, इसके अंदर संहिता वर्ड से हम किस चीज को डिनोट करते हैं? ए है दंड प्रक्रिया संहिता, बी भारतीय दंड संहिता से, सी उपयुक्त दोनों से या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता से। जी हाँ दोस्तों SC ST Act 1989 की धारा 2(1) और इसके खंड ख के अनुसार इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो संहिता से दंड संहिता को ही मतलब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अत्याचार एट्रोसिटी जिसको हम बोलते हैं, अत्याचार के अपराध के लिए दंड देने के प्रावधान किस धारा में है? जी हाँ दोस्तों अत्याचार के लिए दंड देने वाले प्रावधान कौन सी धारा में है? तो धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 11। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, धारा 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भारतीय गणतंत्र के कौन से वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जब भारत ने गणतंत्र प्राप्त कर लिया था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इसके बाद ये कौन से वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 35वें, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 39 दैट इज 39 और ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, 40वें वर्ष में। एक्चुअली भारतीय समाज में सदियों से पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए संविधान के प्रावधानों को साकार रूप देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को 40वें वर्ष में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कितनी धाराएं? जी हां दोस्तों, इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 एंड डी 25। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आंसर नंबर सी, दैट इज 23। 23 धाराएं हैं तथा इसके अंदर 5 अध्याय हैं और इस अधिनियम का संख्यांक, इसकी संख्या का अंक जो है वो 33 है। जी दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्या अर्थ है, मतलब कि ये कौन से खंड के अंदर दिए हुए हैं संविधान के, तो इससे जो रिलेट करते हैं ये है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 364 के खंड 24 और खंड 26 में जो निहित है, या संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में जो निहित है, सी संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 25 और खंड 26 में है, या संविधान के अनुच्छेद 367 के खंड 24 और 25 में है। इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, कि ये जो है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 366 के अंदर खंड 24 और खंड 25 में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धारा 13 में विशेष न्यायालय के रूप में भी निर्दिष्ट कोई सत्र, मतलब हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमने ऑप्शन को इसीलिए पढ़ा कि इसका कनेक्शन जो है सत्र से हो सकता है। खैर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर है विशेष न्यायालय से के अभिप्रेत है, मतलब विशेष न्यायालय क्या है, ए धारा 13 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सत्र न्यायालय, ऑप्शन बी धारा 13 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय, ऑप्शन सी धारा 15 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, या धारा 16 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय, मतलब कि विशेष न्यायालय का दर्जा दे दिया जाता है एक्चुअली सेशन न्यायालय को। आगे देखेंगे दोस्तों, इस अधिनियम के तहत अत्याचार का अपराध किया जा सकता है, मतलब कि इस अधिनियम के तहत अत्याचार का अपराध किया जा सकता है, मतलब ये अत्याचार अब करेगा कौन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि अनुसूचित जातियां जनजाति का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है यह अपराध, या किसी भी जाति के सदस्य द्वारा किया जा सकता है, या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर तथा जनजाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर किया जा सकता है, मतलब क्रॉस एससी एसटी वाले जो है एक दूसरे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, दैट मींस कि जब भी ये अत्याचार निवारण अधिनियम लगेगा तो वो किसी ऐसे व्यक्ति पे लगेगा जो कि एससी या एसटी से ताल्लुकात नहीं रखता है। आगे देखेंगे दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल का प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित होगा, मतलब कि कोई भी ऐसी महिला जो एससी या एसटी से बिलोंग करती है और उसकी इज्जत के ऊपर यदि कोई भी हाथ डालता है या हमला करता है या बल का प्रयोग करता है तो इसमें क्या दंड होगा। ऑप्शन ए है कम से कम 6 माह के कारावास होगा, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, या ऑप्शन बी कम से कम 6 माह से लेकर 2 वर्ष का कारावास से तथा ₹500 के जुर्माने से, ऑप्शन सी कम से कम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास से तथा ₹1,000 के जुर्माने से, या उपयुक्त में कोई भी सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर ए, कम से कम उस व्यक्ति को जो कि बलपूर्वक किसी एससी या एसटी की महिला का अनादर करता है या उस पर बलपूर्वक उसकी लज्जा को भंग करता है उसको कम से कम 6 माह का कारावास होगा और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जो कि जुर्माना साथ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल कितने अध्याय है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इसके अंदर कुल है 5 अध्याय, मतलब जो आपका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर चीज को बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध को विचारण, मतलब इस पर विचार किया जाए। बी अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए। सी अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास मिले या उपयुक्त उपरुक्त उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी, मतलब ये सारी की सारी चीजों के लिए ही, मतलब आपको विचार भी करना है, उनके लिए अलग से न्यायालय भी बनाना है और पीड़ितों को राहत भी देना है और साथ साथ पुनर्वास भी देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दैट इज 1989 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है, कि इस चीज के लिए इस धारा के अंदर विशेष न्यायालय कौन सी धारा बनाने का हमको आदेश या इजाजत देती है। ऑप्शन ए धारा 2 ख, ऑप्शन बी धारा 2 ग, ऑप्शन सी धारा 2 घ, ऑप्शन डी धारा 2 ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी धारा 2 ख। इस धारा के अंदर विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा भी दी गई है और इसी के अंदर हमारे को विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विशेष लोक अभियोजक ये क्या चीज है, इसको कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 2 ख, धारा 2 घ, धारा 2 ड, धारा 2 च। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सारी की सारी परिभाषाएं जो दी गई है वो दी गई है, यहां से आपको पता चलता है इससे पहले वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन से कि धारा 2 के अंदर सारी की सारी परिभाषाएं दी गई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी धारा 2 ड। जी हाँ दोस्तों, अधिनियम की इस धारा के अंदर धारा 2 पार्ट 1 और खंड ड के अनुसार इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विशेष लोक अभियोजक से विशेष लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अभिवक्ता अभिप्रेरित है। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जाति के सदस्य और अन्य सामान्य जाति के सदस्य द्वारा झूठी गवाही देकर हत्या के मामले में फंसाया जाता है। या दोस्तों हत्या के मामले में फंसा दिया जाता है और जिससे उस आधार पर वह दोष सिद्ध पाया जाता है। तो यहां सामान्य जाति का सदस्य निम्नलिखित में से किस दंड का भागी होगा। ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ऑप्शन सी 20 वर्ष तक का सश्रम कारावास या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अपराध के लिए दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 7 के धारा 7 के अधीन उस व्यक्ति की संपत्ति को सरकार में समाप्त करने का आदेश कौन देता है। जी हाँ दोस्तों, जब धारा 7 के अंतर्गत कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको उस व्यक्ति की संपत्ति को सरकार में समाप्त करने का आदेश कौन देता है। ए विशेष न्यायालय, बी केंद्रीय सरकार, सी राज्य सरकार या डी उच्च सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए विशेष न्यायालय, जो कि इसी के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त नाम किस धारा में दिया गया है। यह दोस्तों ये संक्षिप्त इसका एक नाम है, ये नाम कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर ए धारा 1। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संहिता शब्द को कौन परिभाषित करता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम में संहिता शब्द को परिभाषित कौन करता है। तो ये जितनी भी परिभाषा है ये आपकी धारा 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। तो धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या धारा 2D। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी धारा 2B। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क एक व्यक्ति है मान लीजिए क, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, और ख के रहने के मकान में जो अनुसूचित जाति का सदस्य है आग लगा देता है, क निम्नांकित में से किस दंड से दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों, क जो है ये किस दंड से दंडनीय होगा। ए 7 वर्ष के कारावास से, बी 10 वर्ष के कारावास से, सी आजीवन कारावास से या डी मृत्युदंड से। इसका सही आंसर है आजीवन कारावास, दैट इज आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किस धारा के तहत भारतीय दंड संहिता के क
कतिपय उपबंध का लागू होना प्रावधानित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसके जो ऑप्शन है वो है धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर बी, धारा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष न्यायालय के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेष न्यायालय जिसकी अभी हम बात कर रहे थे हाल ही में, ये प्रावधान किस धारा के अंदर दिए गए हैं? धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, धारा 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष लोक अभियोजक के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 17। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, धारा 15 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों एवं दंडों के लिए प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, दैट इज 3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ इसे लाइक शेयर और कमेंट के अंदर अपने सजेशंस को मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।